Okay, welcome back. This is the last unit of database security. In this unit, we will be focusing on privileges in database. So let's start. Again, database में हमारे पास कुछ तरह के you know operations होते हैं कि आप जब select करते हो तो it means कि आप कोई relation को access कर रहे हो read करने के लिए और ability to query using that particular view. लेकिन जब हम insert की बात करते हैं, it means हम किसी tuple में या किसी raw में कोई data insert करने जा रहे हैं. जब हम अपडेट की बात करते हैं तो यह है कि पहले से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम चेंज करना जा रहे हैं. जब हम डिलीट की प्रिविलेजेस की बात करते हैं तो इट मींस कि आपके कोई पार्टिकुलर टपल्स हैं जिनको आप चाह रहे हैं कि अब वो ना रहें आपके आपके डेटाबेस में. तो ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस. तो हर किसी को आप सेम प्रिविलेजेस नहीं दे सकते. हो सकता है कि आपके कोई यूजर सिर्फ रीड कर सकता हो, तो कोई यूजर सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट कर सकता हो बट अपडेट ना कर सकता हो. हो सकता है कोई यूजर सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर सकता हो बट वो डिलीट ना कर सकता हो. हो सकता है कोई यूजर सेलेक्ट भी कर सकता हो, इंसर्ट भी कर सकता हो, अपडेट भी कर सकता हो बट वो डिलीट ना कर सकता. राइट. तो प्रिविलेजेस आपके पास, इसके अलावा आपके पास प्रिविलेजेस टू ग्रांट प्रिविलेजेस भी होते हैं. जैसे एक बंदा है, उसके पास प्रिविलेजेस हैं, फिर वो आगे किसी और को वो प्रिविलेज ग्रांट करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस के मैं अगर कहीं की एडमिन हूँ तो हो सकता है मैं अपना कोई को एडमिन बना के उसको कुछ ऐसे प्रिविलेजेस ग्रांट कर दूँ जो पहले उसके पास ना हो लेकिन मेरे पास हो. राइट. तो विद ग्रांट ऑप्शन यू अलाउ अ यूजर हु इज ग्रांटेड अ प्रिविलेज टू पास द प्रिविलेज टू द अदर यूजर. राइट. सो ग्रांट सेलेक्ट ऑन ब्रांच टू यू वन विद ग्रांट ऑप्शन. राइट. तो हुआ क्या कि यहाँ मैंने U1 को सिलेक्ट, U1 द सिलेक्ट ऑप्शन गिव्स U1 द सिलेक्ट प्रिविलेजेस ऑन ब्रांच एंड अलाउज U1 टू ग्रांट दिस प्रिविलेज टू अदर्स. ठीक है ना. एक U1 है, एक यूजर है जिसको मैंने कहा कि वो आपको मैंने प्रिविलेज दिया और आपको मैंने ये ग्रांट भी दिया कि आप ये प्रिविलेज किसी और को दे दो. राइट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस सिक्योरिटी कि जहाँ आपको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप अपना प्रिविलेजेस पास करें. और कभी आपके पास ये अथॉरिटी नहीं भी होती कि जितना आपका प्रिविलेजेस है वो आपके ही हैं, वो आप किसी दूसरे को पास नहीं कर सकते. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरमेंट, टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो. Right, it totally depends upon the problem. Right, so for now, this brings us to the end of this particular discussion of database security. Thank you so much.